और मुझे कैमरा ना किंग करेगा तो नई गाड़ी काटेंगे अभी जल्द से जल्द और नया इंडिया बता बिल्कुल पावर विंडो में चारों पावर विंडो बढ़िया सब प्लेयर लगा हुआ बोनिक का और क्या फुल टॉप कंडीशन में थी गाड़ी। सीट कवर कंडीशन देख सकते हो किस टाइप से और इसका इंटीरियर देख सकते हो सारे सामान हमने खोल दिया गाड़ी का। गाड़ी को हम पूरा कैंपर का लुक बनाने वाले हैं। गाड़ी की छत यहाँ से कट करेंगे इसीलिए हमने डोर का डिजाइन देख सकते हो डोर को कट कर दिया पहले से और पीछे बताओ कुछ गाड़ी को काम में लेने वाले हैं सिर्फ लोडिंग के हिसाब से इसलिए हम यहाँ पर पूरा पैक करेंगे। जो बुलेरो कैंपर आती है उस टाइप से डिजाइन करेंगे लेकिन ये टू सीटर है ये बुलेरो कैंपर फाइव सीटर में आती है। गाड़ी की लेंथ वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ेंगे ओरिजिनल बॉडी पे ही पूरा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने स्कॉर्पियो का काम स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी को हम नॉर्मली काम करने वाले हैं। कस्टमर ने हमें जो बजट दिया था उसी बजट में हम काम कर रहे हैं गाड़ी का। तो जैसे जो कलर की बात करते हैं सबसे पहले जो कलर करना था गाड़ी में तो वो सिर्फ उसके ऊपर खड़ी गाड़ी पर ही कलर उड़ाने की बात करी थी लेकिन हम उससे थोड़ा थोड़ा रफ करके फिर कलर करेंगे ताकि पपड़ी वगैरह ना मारे कलर। और बाकी लुक वगैरह देख सकते हो आपकी मॉडिफिकेशन थोड़ा लाइट ज़्यादा आ रहा है सामने सूरज यहाँ से देख सकते हो आप कि ये मॉडिफिकेशन में उन्होंने कैंपर की बात करी थी। हमने टू सीटर पैक रखी है बाकी पीछे ट्रॉली टाइप बनाया है। पूरा काम बिल्कुल मजबूती से किया है आप देख सकते हो कुछ स्टेप्स इसमें काम हुए हैं। इसका जो केबिन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केबिन में भी हमने कुछ स्टेप्स लगाया है। इसकी जो ओरिजिनल डिक्की थी उसी को ही फिट किया है हमने आधी डिक्की ऊपर जहाँ पर ग्लास की फ्रेम रहती है वहाँ तक। बैक साइड से देख सकते हो कुछ स्टेप्स इसमें लुक आया है। छोटा मोटा काम बाकी है थोड़ा सा करने। इसका रियर वाला डोर हमने काम में लिया है इसका देख सकते हो आप। ये ओपन भी हो जाता है बढ़िया तरीके से कुछ स्टेप्स ओपन हो जाता है। थोड़ा आगे का लाइट ज़्यादा आ रहा है धूप की रोशनी ज़्यादा आ रही है। रियर वाले दोनों गेट हमने बंद कर दिए हैं इस साइड का लेफ्ट का भी और राइट का भी और यहाँ पर जो ओपनर लगा हुआ रहता है उसे भी बंद कर दिया है। ये हिस्सा हमने थोड़ा अंदर लिया है ताकि पीछे बूट स्पेस बढ़ सके इसका। ये गाड़ी चलेगी दोस्तों खेत में जो अनाज वगैरह ले जाते हैं खाद वगैरह ले जाने के लिए काम में लेंगे इस गाड़ी को। गाड़ी है 2004 मॉडल और गाड़ी में एकदम नॉर्मली काम करना है। हमें जो बजट दिया था उसी बजट में गाड़ी में बाकी जितने गाड़ी की कंडीशन नहीं उससे ज़्यादा गाड़ी के टायरों की कंडीशन आप देख सकते हो कि इसमें MRF के नए टायर डले हुए हैं चारों की सेम कंडीशन मिलेगी दोस्तों। गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको चारों बताऊँगा कि किस टाइप से टायर इसमें है। चारों बिल्कुल फ्रेश टायर है और इंटीरियर वगैरह में तो हम कुछ भी नहीं काम करेंगे जो इसका ओरिजिनल छत थी उसे ही लगाएंगे वापस। बाकी इसमें एसी में मज़ा आने वाली है क्योंकि इसका एसी जो आता है वो डबल में आता है पीछे की साइड भी रहता है इसमें एसी लगा हुआ है यहाँ आर्मरेस्ट में। तो अभी इसमें एसी आर्मरेस्ट वाला बंद कर देंगे हम तो आगे ही इतनी ज़्यादा कूलिंग होगी गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे गाड़ी की प्रोसेस आगे बढ़ती है हमारे काम की वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप कि हमने बॉडी स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर लिया है गाड़ी के। इसका रूफ पाइप वगैरह कंप्लीट हो चुकी है पुट्टी का काम भी कंप्लीट हो गया है। गाड़ी के हमने लाइटिंग वगैरह जो ग्लास वगैरह उन पर भी पेपर वगैरह लगा लिए हैं क्योंकि गाड़ी को हम कंप्लीट गाड़ी को ही कलर करने वाले हैं। गाड़ी को इस बार हमने खोला नहीं है ऊपर पर पूरा ग्लोस ब्लैक करेंगे और नीचे मैट ब्लैक करेंगे जो इसकी क्लेडिंग वगैरह पहले जो था वही कलर करने वाले हैं वापस।
तो गाड़ी को हमने रफ वगैरह करवा लिया है। कुछ कुछ जगह पुट्टी का काम नॉर्मल था, वही काम किया हमने, लिमिट से ज़्यादा काम नहीं किया। अंदर ट्रॉली वगैरह पूरी कंप्लीट है, यहाँ प्लाई लगी है, वाटर प्रूफ प्लाई। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप कि स्कॉर्पियो पर काम चल रहा है, कलर का फाइनल कलर कर रहे हैं अभी फिलहाल में। हमने बेस कर दिया था इसके ऊपर ब्लैक, यहाँ पर हमने पुट्टी वगैरह काम किया था उस पर बेस हो चुका था, तो फाइनल कलर करने वाले हैं ऊपर पर ग्लोस ब्लैक, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नीचे नीचे मैट कर दिया हमने, क्लैडिंग को मैट कर दिया इसकी। सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, पेपर लगाने पड़ते बहुत सारे। अब खड़ी गाड़ी को पहली बार कलर कर रहे हैं, आप भी देख सकते हो इस टाइप से कलर करना पड़ता है। ये कस्टमर डिमांड थी खड़ी गाड़ी को कलर करना, नहीं तो आपको पता है कि हम गाड़ी को पूरा ओपन करते हैं फिर उसके बाद में कलर करते हैं। सारी चीज़ें अलग अलग कलर करने में मज़ा आ जाता है, फिनिशिंग भी उसमें ज़्यादा आती है, इसमें फिनिशिंग वगैरह कम आती है। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, फाइनल कलर कर लेते हैं, उसके बाद में इसका फाइनल लुक देखते हैं कि कैसा लगा। इंटीरियर को पूरा ब्लैक कर दिया, देख सकते हो पूरा ब्लैक हो चुका है अंदर, और इसमें जो प्लाई हमने लगाई वाटरप्रूफ प्लाई लगाई है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि फाइनल कलर हो गया गाड़ी के ऊपर, बढ़िया शाइनिंग आई है ऊपर ऊपर जहाँ पर हमने ग्लोस कलर किया है। ये फ्रंट लुक सब बोनट का ग्लोस खतरनाक बिल्कुल। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सीधा फाइनल गाड़ी के ऊपर। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि स्कॉर्पियो में हमने हेडलाइट चेंज कर दी, सेकंड हेडलाइट हमको बढ़िया कंडीशन मिल गई, पॉलिश का काम भी चल रहा है, पॉलिश हो चुकी है गाड़ी में, देख सकते हो ये क्लियर ग्लोस आया है। अभी गाड़ी को पूरा वॉश करेंगे क्योंकि जो पॉलिश करते हैं उसका पाउडर वगैरह भी लग जाता है। रियर ग्लास को थोड़ा सा साफ करना है, नीचे नीचे टेल लाइट बिल्कुल न्यू हो चुकी है इसकी। सो ये जो पॉलिश रहती है उसका पाउडर बैठा हुआ है ये सारी। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, मिलता है सीधा फाइनल गाड़ी के ऊपर वॉश वगैरह कर लेंगे इसके बाद। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आपकी फाइनल गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है गाड़ी में। गाड़ी में हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ गाड़ी को कलर किया और उसे कैंपर का लुक बनाया है। इसकी फ्रंट हेडलाइट ख़राब हो रही थी तो उसे हमने पॉलिश किया है अच्छे बढ़िया से, और कलर वगैरह आप देख सकते हो क्योंकि खड़ी गाड़ी पर कलर किया है, और ज़्यादा डेंट वगैरह थे उन्हें भी हमने ठीक नहीं किए क्योंकि कस्टमर डिमांड थी कि गाड़ी में सिर्फ नॉर्मली काम करना है, ज़्यादा बजट के बाहर नहीं जाना है, तो उस हिसाब से हमने काम किया है। बाकी फिर भी अच्छा करके दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी करके दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कलर की फिनिशिंग वगैरह होता है हमने सारे कलर ओरिजिनल लगाए हैं, और गाड़ी का जो लुक बना है वो कुछ इस टाइप से बना है। रूफ पाइप लगाए हैं, पीछे हमने कड़े लगाए हैं, इसमें कहीं भी लगेज वगैरह अगर बांधना चाहें, सामान जो भी पीछे रखे हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा मॉडिफिकेशन काम? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।